جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. आज 30 जुलाई 2023 को मदरसा नूर मोहल्ला आशाबाग बटराहा में जनाब सीताराम चौहान SSD के सिक्किया नया टोला सिक्किया सब इंस्पेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं उनके जवानों के साथ और लाल बिहारी झा पंडित जी आपका भी इस्तेमाल करते हैं और बाहर से आए हुए मीडिया कर्मी जो भी हैं हम मदरसी की तरफ से आपका समर्थन करते हैं और रविंदर जी जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं उनका हम मशहूर हैं उन्होंने मदरसा नूर मोहल्ला आशाबाग बटराहा में आज ये प्रोग्राम मुंतखब किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हो रहा है। कुरान करीम की एक आयत मैंने तिलावत की है उसमें आज का जो मौजू है हमारा सरकार की तरफ से आज के खास दिन के लिए 30 जुलाई के लिए वो है वुमेन ट्रैफिकिंग। उसी को हिंदी में लोग मानव तस्करी कहते हैं और हम लोग उर्दू जबान में तहफ्फुज़े इंसानियत के नाम से जानते हैं। कुरान करीम ने इंसान के तहफ्फुज़ के लिए हमें यह पैगाम दिया है कि अगर किसी ने भी किसी इंसान को कत्ल किया बगैर किसी जुर्म के बगैर किसी कत्ल के अगर उसने किसी का कत्ल नहीं किया है और उसका कत्ल हो गया तो गया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और अगर किसी ने जमीन में फसाद फैलाया कत्ल के अलावा कोई ऐसा जुर्म किया जो सामाजिक तौर पर हुकूमत की नज़र में ये समाज की नज़र में गंदा है खराब है तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत में गंदगी फैलाई और पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये कुरान का पैगाम है, अमन का पैगाम है कि इंसान अमन कायम करे, इंसान इंसान के खिलाफ किसी किस्म की ज्यादती न करे। आज का जो पैगाम है वो खुसूसन छोटे बच्चे बच्चियों के लिए है कि उम्र होने से पहले बच्चों का शादी करा देना उसको उस पर ये ज्यादती है। जब उम्र हो जाए सरकारी आंकड़े के हिसाब से 18 साल बच्चों की उम्र और लड़कों की उम्र 21 साल। इसी तरीके से दूसरा एक पहलू यही सिर्फ बाल विवाह ही नहीं है, ट्रैफिकिंग में दूसरी चीज ये आती है कि छोटे बच्चों से काम लेना चाहे वो गार्जियन काम ले या गार्जियन के जरिए से दूसरे काम कराएं। गार्जियन हजरात बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को कंधे से हटाने के लिए लड़कों को उम्र होने से पहले बालिग होने से पहले काम के लायक न होने से पहले उनको भेज देते हैं काम करने के लिए चाहे वो दिल्ली भेजे केरला भेजे बॉम्बे भेजे पंजाब भेजे जहाँ भी भेजे अगर वो बालिग नहीं हुए हैं और उनसे काम ले रहे हैं इसका मतलब आज के कानून के हिसाब से वो खिलाफ वर्जी इंसानियत की कर रहे हैं तहफ्फुज़ से इंसानियत के खिलाफ कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है माँ बाप की कि बाल बच्चों को बड़ा करें पाले पोसे अल्लाह ताला ने उनको जिम्मेदारी दी है उनका खर्च उठाएं। जब हमने शादी की है तो बाल बच्चों की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है उनका हम खर्च उठाएं उनका हम बड़ा करें।